जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला। शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला। बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला। शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की। सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। लेते हैं फौरन से भीगा पोतड़ा फौरन बदल देना चाहिए। जी ठीक है, भीगा पोतड़ा फौरन बदल देना चाहिए। शिक्षा, शिक्षा से क्या बनेगा? शिक्षा, अरे वही लिख लेते हैं ना जौन सा किताब में लिखा है। कौन सा? वही के खिलौनों से शिक्षा दी जा सके है। हाँ जे लिख लेते हैं। जे? जे तो किताब में भी लिखा हुआ। अपने मन से बनाओ ना। सब औरतों के लिए शिक्षा? नहीं, सब औरतों को शिक्षा मिले। हाँ ये ठीक है री, सब औरतों को शिक्षा मिले। ये ठीक है, ये लिखो। ये भिक्षा से भी तो बता ना कुछ। पहले ठीक से तो बोल। भिक्षा? हाँ हाँ भिक्षा, वही तो कह रही हूँ। अब ठीक है तो बताना ये भिक्षा से क्या बनेगा, तो खुद सोच। भिक्षा, भिक्षा मांगना पाप है। हाँ जी ठीक है। क्या क्या बनाया? भिक्षा मांगना पाप है, कुछ और बना। क्यों, इसमें क्या गड़बड़ है? ना भाषा की तो गड़बड़ ना है, पर ये पाप उनकी बातें मुझे बड़ी बेकार लगे हैं। हे भक्त होती, अरे गरीबी से भूख से मजबूर होके भिक्षा मांगे तो पाप, अपनी इज्जत आबरू का गला घोट के हाथ फैलाए तो पाप, और जो साधु महात्मा ढोंगी पंडित घर घर डोले ये पाप ना है, ये है जाए दक्षिणा। अरे ईमानदारी की चाहिए भिक्षा नहीं। ये हुई ना कोई बात, गरीब इंसान के दिल से निकली हुई। पर इसे ऐसे लिखो, हमें रोजगार चाहिए भिक्षा नहीं।
बल्कि ऐसे लिखो, हमें रोजगार दो, भिक्षा नहीं। लिखो। लिख लिया। चलो अब सवाल जवाब करते हैं। पढ़ गीता, पहला सवाल। छोटे बच्चों के लिए कैसे खिलौने खरीदने चाहिए? खरीदने? खिलौने खरीदने? अरे यहाँ तो दो जून रोटी ना जुटाई जाती और तू तो खिलौने खरीदने की बात कर रही है। चाची ये तो किताब में लिखा हुआ है। किसके लिए लिखी है ये किताब? हमारे पास ना है पैसे खिलौने खरीदने के। देख सुना दे, ये किताब सारी औरतों के लिए बनाई गई है और उनमें ऐसे भी हैंगे जिन पे खरीदने के लिए पैसे हैंगे। तो उन्हों को ही जाके पढ़ाओ जय पाठ, हमें क्या लेना देना इससे, कैसे खिलौने खरीदने चाहिए। तो सही कह रही है, जिस पे रोटी कपड़े के ही पैसे ना है वो कहाँ से खिलौने खरीदेगा। पर इस बात से जे पता चल जावे है कि बच्चों के खिलौने कैसे होने चाहिए और उन खिलौनों से कैसे शिक्षा दी जा सके। हाँ, ताकि सोच सोच के कुरते रहो कि तुम्हारे बच्चों को क्या क्या ना नसीब हुआ। अरे सूखी रोटी गटकने वाले को पराठे की खुशबू का ना पता चले तो ही अच्छा है, नहीं तो वो रोटी भी उसे राख लगेगी। अरे जब हमें पता चलगा कि खिलौने कैसे होने चाहिए तो हम आप ही बना ले, खरीदने की सोचे ही क्यों। हाँ मौसी, असरफी ने अपनी मुन्नी के लिए कितने सारे बनाए हैं। अरे उसकी छोरी को खिलौनों की क्या कमी होने लगी, वो तो है ही खिलौने वाली। हाँ वो तो है ही खिलौने वाली। अरे तेरा बापू भी तो कपड़ा मिल में काम करे है, वो कितने रेशम के थान लाके धरे है घर में, जरा पूछियो अपनी अम्मा से। मैं खिलौने बनाती हूँ अपना पेट पालने के लिए, एक एक में आठ अठाने दस दस आने की लागत लगे है। मेरी बच्ची का क्या नसीब के ऐसे महंगे खिलौनों से खेले। मुन्नी के जितने बनाए हैं सो पुराने चीथड़ों गुदड़ियों और तेरे चचा की फेंकी हुई लकड़ी से बनाए हैं। ये गंडूल ना तो ना बनाया फेंकी हुई लकड़ी से। अच्छा तुझे जास्ती पता है। अरे इतनी इतनी लकड़ियों को जोड़ के बनाए से तेरे चचा ने, जरा देख ध्यान से, हत्ते में ही तीन तीन जोड़ लगे हैंगे। अभी लौट के आ रहे होंगे उषा धनजी के यहाँ से, पूछिए उनसे कितनी दिक्कत से बनाया इसे। अरे तुम मुझ पे क्यों बरस रही है, तेने बात ही ऐसी दिल जलाने वाली करी है। मैंने क्या कहा, मैंने तो वो ही बताया है जो अम्मा ने कहा। ए मौसी दिखाना। अरे सब फटफटा गए हैं, अब कहाँ से दिखाऊं। जी पड़े होंगे ना, तू निकाल ले ढूंढ के। अरे तू तो सबके पीछे पड़ जाए, सारे के सारे तेरी किताब से देख के ही तो बनाए हैं। जे देख, जे मिल गया झुंझुना। जेरा तोता, का हाल है गया इनका। जब दो महीने की ही मुन्नी, जब बनाए हैं जे। जे झुंझुना भी तने बनाया है। पता है कैसे? देख, एक काजल की डिबिया ली और उसमें कंकड़ियां भर दी, फिर उस पे कपड़े का खोल सी दिया और जे डोरी टांग दी बस। और जे तोता है ना, जे उमरी लाई की दुकान से मैं धज्जियां बटोर लाई ही, उसी का बनाया है। अरे बतेरे बतेरे रंग बिरंगे बनाए मैंने, कहीं मोर उल्लू मैना। पर मौसी हमारी किताब में तो लिखा कि जे खिलौने रबड़ के होने चाहिए। तो जिन्होंने किताब बांटी है उनसे कह दे कि आके रबड़ के खिलौने भी बांट जाएं, रबड़ के होने चाहिए। अरे दाम पता है तुझे रबड़ के खिलौनों के? और मैं जो उषा बहन जी से पूछाई ही, उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं है और जे ही लगा दो मुन्नी के पालने में। मैंने लगा दिए और हमारी मुन्नी को तो बहुत पसंद आए, टुकुर टुकुर देखा करेगी और जहाँ झुंझुना बजाओ वहीं सिर कर ले। अब क्यों हटा लिया जे? अरे इसके दांत निकल रहे हैं, हर चीज मुंह में डाले है। और देख जे झुंझुना इतना सख्त है, कहीं मुंह में डाल लिया और चोट पीट लग गई तो। जे करके हटा लिया मैंने। तो अब मुन्नी पे कोई खिलौना ना है? कैसे नहीं, जे देख पालने में। जे क्या है मौसी? जाने क्या है, बस तेरे चचा ने बना के यूं ही टांग दिया,
पर छोरी दिन भर इसी में लगी रहे, कभी इधर सर का है, कभी उधर सर का। नीला, भूरा, लाल, पीला, हरा। कैसे चीकट है रहे हैं। अरे चीकट ना होंगे क्या, हर बखत मुंह में ठूस रहे आजकल इन्हें। घड़ी भर मुंह में डाले तो घड़ी उछाल के फेंक दे, दुनिया जहान की गंदगी लिपटे इनमें और फिर मुंह में डाल ले, अब इन्हें धोया तो जाना सके। तभी तो कहे हैं मौसी कि जो जो खिलौने हैं ना, जो रबड़ के होने चाहिए ताकि आसानी से धुल सके। अरे रबड़ के खिलौनों के सारे गुण मालूम है मुझे, जो हल्के हुए हैं, बालकों को इनसे चोट ना लगे है, जो इन्हें दबाओ तो इनमें से सीटी बजे है। पर मेरे पास कहाँ पैसे धरे हैं रबड़ के खिलौने को। जे गंदे खिलौने मुंह में डालने से ही तेरी मुन्नी को दस्त लगे होंगे। अरे ना, दांत निकल रहे हैं इस करके दस्त लगे हैं उसे। ना मौसी, देख हमारी किताब में जे लिखा है कि दांत निकलने से पेट की खराबी ना होवे है, गंदगी से होवे है। खिलती कलिया में और नहीं तो क्या। और जो मैं तुझे जे दिखला दूं कि उसमें जे लिखा है कि दांत निकलते हुए दस्त लगे तो। ना है उसमें। है, देख ले। अच्छा ठहर तू। कहाँ गया? 31वां देख। विशेषज्ञ को दिखाओ, जाई में है। हाँ जेरा, इसके दांत निकलने वाले हैं, इसी वजह से इससे दस्त और बुखार है, ऐसा सभी बच्चों को होता है, घबराओ नहीं। ले खुद पढ़ ले। बस जी दिखा रही। अरे और क्या देखेगी। और जी क्या कौन रहा। मतबल। मतबल जे कि किताब में जे बात कौन कह रहा है। अरे कोई भी कह रहा हो, इससे क्या फर्क पड़े, साफ साफ लिखा है। मौसी तेरी अक्कल क्या घास चरने गई है। अरे जे बात कह रही है कमला की सास, जानी की रमेश की माँ। तो जे की जे गलत कह रही है। आगे डॉक्टर क्या कह रहे है जे ना मालूम। जे देख असली बात तो डॉक्टर ही कह रहे है कि ना। जे देख डॉक्टर ने बताया दांत निकलते समय कभी कभी बच्चा पूरी खुराक नहीं ले पाता, इससे वो कमजोर हो जाता है। कमजोरी में उसे कोई भी बीमारी लग सकती है, मसूड़े फूलने पर बच्चा हर चीज मुंह में डालता है जो कई बार गंदी होती है, इससे भी बच्चा बीमार हो सकता है। बीमारी होने पर उसकी फौरन दवाई व देखभाल करनी चाहिए। ओह अब जब ऊषा बेंजी रहमान चचा को डांट लगावेंगी ना तब अकल आवेगी तुझे। छोटी बूंद पड़ा सर गोडे गोडे गारा, नाई के घर छोरा होया नाम धरया कर तारा। छोटी छोटी बूंद पड़ा सर गोडे गोडे गारा, नाई के घर छोरा होया नाम धरया कर तारा। आज भाई। हाँ सलाम भाई, सलाम रहमान, बैठ पर 2 मिनट लगे। ना ना बाल ना कटवाने। तो फिर उषा बहन जी ने भेजा है तुम्हारे पास। मुझे बुलवाया। नहीं मुझे ही भेजा है तुम्हारे पास। वो किस लिए भाई, मुझे किस लिए। ये बच्ची को बड़े दस्त आ रहे हैं। मतलब देखिए कमजोर भी है गई है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखाना हो। अरे कहीं सवेरे सवेरे नशा तो नहीं करा मेरे यार। अरे बच्ची की तबीयत खराब है तो दवाई वो देंगे कि मैं तो उन्हीं के पास गया पर उन्होंने कहा कि तुम्हें दिखा दूं। इसका नाम लेके। नहीं हासिम का नाम तो नहीं लिया, पर ये कहा कि किसी नाई को दिखा दो। फतेहपुर वाले स्वास्थ्य केंद्र में चले जाओ। फतेहपुर वाले वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
नाई का क्या काम मेरे यार, यही तो मैं सोच रहा। पर मैंने सोचा कि जब गांव में अपने ज्ञान भाई हैं, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत। ना वो तो तुमने ठीक करी, पर नाई के पास ले जाने को क्यों कहा, ये मेरी बात समझदानी में नहीं आई। समझ में तो मेरी भी कुछ ना आया, पर मैंने सोचा कि चलो ज्ञान भाई को दिखा दो। ज्ञान लगता है उस बंजे को पेट ढीला है गया है। अरे तैं अपने पेट संभाल के रखा, इसमें कोई राज की बात है। भाई रहमान साफ साफ बता बात क्या हुई थी। उषा बहन जी ने पर्ची दी है, देखिए एक मिनट जरा यहाँ। हाँ ये रुका रुका रुका, ये देखो। बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल विशेषज्ञ के पास ले जाओ। इसमें नाई के पास ले जाओ ये कहा लिखा। ये बाल विशेषज्ञ क्या होगा, नाई को बाल विशेषज्ञ भी कहा। हाँ, पढ़े लिखे लोगों की बात है ज्ञान भाई, छोटी छोटी चीजों को बड़े बड़े नामों से पुकारे हैं। पर मेरी समझ में आ गई, बाल विशेषज्ञ यानी नाई। बाल विशेषज्ञ तो खूब हो गया। ये चोखा रहा। चल मान भी लिया कि नाई को अंग्रेजी में बाल विशेषज्ञ कहवे हैं, पर तू बच्चे का इलाज कैसे करेगा। हाँ भैया, तो सोचने वाली बात है। अरे और रहमान, क्या क्या उषा बहन जी ने। राम राम कमला बाजी। हाँ। अरे उषा बहन जी ने कहा कि बाल विशेषज्ञ के पास जाओ, पर अपने ज्ञान भाई कह रहे हैं इन्हें पता ही ना है बच्चों के इलाज के बारे में कुछ। हाँ तो ज्ञान को क्या पता होगा। अरे जा स्वास्थ्य केंद्र में चला जा, माँ बाल विशेषज्ञ करेगा इलाज। क्यों, वहाँ का बाल विशेषज्ञ घना सियाणा है, हमने को कमी है के? और तू कहाँ से हो गया बाल विशेषज्ञ। अच्छा, चार पीढ़ियों से बाल काट रहे हैं, अभी तक हम बाल विशेषज्ञ नहीं हुए। कमला बाजी क्या हुआ, अरे हंसती जाओगी, कुछ बताओगी भी। अरे बेवकूफो, बाल विशेषज्ञ का मतलब होवे है जो खास बालकों का डॉक्टर है। हेलो भाई, ओ बालको वाली बात कर रहे हो, बाल ना बालक। बालक विशेषज्ञ। अरे नहीं चला कमला बाजी। और तुम दोनों बेवकूफ समझे कि कोई दाढ़ी मूछ का डॉक्टर है। ले भाई, ये तो खूब ही रही। बाल बालक ने हर खास आम गौर से सुनाई कहानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।